शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। परमहंसो गिरिराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। आप समस्त देशवासियों को जय माता की, जय गुरुवर की। मैं अपनी चौथी कविता के साथ रामलाल कुशवाहा फिर हाजिर हुआ हूं और आप सभी लोगों को बता दूं कि पंडोखर धाम का पीठाधीश गुरु शरण शर्मा जो पाखंड की चरम सीमा पर है, जो आए दिन नारी का अपमान करता है। हम वीडियो में देख रहे थे कि एक वीडियो में जब एक लड़की अपने माता पिता के साथ, अपने भाई के साथ उसके दरबार में जाती है तो उसको बुलाया जाता है, तो उसके भाई बहन पूछते हैं कि अर्जी लगाते हैं कि जो हमारी लड़की है मानसिक रूप से थोड़ी डिस्टर्ब है मानसिक दिमाग, तो वह बताता है कि इसको कुछ नहीं, ये गर्रानी है। बताइए नारी के लिए ऐसे शब्द बोलना कितनी अपमानजनक बात है, और यह कुछ भी बोलता रहता है। तो आप सब लोगों से कविता के माध्यम से आप सभी को इसका खुलासा करेंगे कि गुरु शरण भारी नकटा बात हमने जानी कि नस नस में एक ही भरी बेईमानी। गुरु शरण भारी नकटा बात हमने जानी नस नस में एक ही भरी बेईमानी। खा खा हराम को हो गौ चपटा जो भारी है नकटा, हो जो भारी है नकटा। और शक्तिपुत्र महाराज जब बात समझ पाई, शक्तिपुत्र महाराज जब बात समझ पाई, जनता के सामने पोल खुलवाई, जनता के सामने पोल खुलवाई। जागी है जनता सो लघु झटका, इखो बैठो है खटका, हो इखो बैठो है खटका, हाँ इखो बैठो है खटका। अभी यो इतना बड़ा झटका लग गो कि भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों द्वारा और पूरे भारत देश में पूरी नारी शक्ति जागृत हो गई है और सभी लोग जगह जगह पुतला दहन कर रहे हैं, तो ये कि आँखों की नींद उड़ चुकी है, इसको नींद नहीं आती है, ये सुबह शाम करता रहता है, इसको नींद ही नहीं आती, ना खाना खाता है, और ये हराम का खा करके ये भैंस के समान बैठा, खा खा करके भैंस के समान हो गया है। कि पेल है तो जो दुबलो पतलो, कि पेल है तो जो दुबलो पतलो, अब हो गौ भारी भैंसा, अब हो गौ भारी भैंसा, और गुरु शरण खा खा पैसा, और गुरु शरण खा खा पैसा। पहले जो दुबलो पतलो है तो, लेकिन अब हराम को खा खा के यो चर्बी चढ़ गई, जो भैंसा के समान हो गया है। और एक बात और बता दूं आप सभी लोगों को, इसका काम चूहे के समान है कि जैसे चूहा अपनी बिल में इकट्ठा करके रखता जाता है, रखता जाता है, रखता जाता है, लेकिन जब कोई ना कोई देखता है कि ये चूहा ज़्यादा नुकसान करने लगा है तो कोई ना कोई आता है, उसका मुँह कुचल देता है, कुचल देता है, कुचल देता है। और इसी ऐसा ही ये पंडोखर धाम का पीठाधीश गुरु शरण शर्मा है कि ये हराम का लोगों से लूटता है, नारी का अपमान करता है, इसकी अत्याचार चरम सीमा पर हैं। तो किसी ना किसी दिन जब ये हराम का खाएगा, लोगों से 10-10, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये लेगा, तो इसको एक ना एक दिन जब जोड़ के रख लेगा तो ज़्यादा नहीं खा पाएगा, इसके मुँह में लकवा लग जाएगा और उसका मुँह टेढ़ा हो जाएगा और ये कुछ भी नहीं खा पाएगा। फिर उसको समझ में आएगा कि यार हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, फिर गिड़गिड़ाएगा। इसलिए आप समस्त देशवासियों से कहना है कि इस के माया जाल में मत फंसें, ये लूटने वाला है, ये लुटेरा है। इसी के साथ अगली कविता के साथ फिर हाजिर रहेंगे। जय माता की, जय गुरुवर की।